डायनासोर जो आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले धरती पर राज करने वाला सबसे बड़ा और खूंखार जीव था और जिसका नाम सुनते ही आज भी इंसानों के रूह कांप उठते हैं। और इन्हीं डायनासोर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक डायनासोर था टीरेक्स यानी टायरानोसॉरस रेक्स। डायनासोर्स का किंग कहे जाने वाला ये टीरेक्स क्रिटेशियस काल का सबसे जाबाज शिकारी माने जाते थे। इसके दहशत से दूसरे बड़े डायनासोर्स भी इसके सामने घुटने टेक देते थे। जंगल के बड़े से बड़े जीव यहाँ तक मैमोथ भी इसके सामने 10 मिनट भी नहीं टिक सकता था। तो यही खूंखार डायनासोर्स के साथ अगर किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला की लड़ाई हो जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस लड़ाई में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? जाहिर सी बात है किसी एक की जीत दूसरे की मौत से होगी। तो चलिए जानते हैं कि इस महायुद्ध का विजेता कौन होगा। अगर सबसे पहले बात करें इन दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर की तो टीरेक्स आकार में बहुत ही विशालकाय होता था। जमीन से सर तक इसकी हाइट थी लगभग 17 फीट और करीब 14 टन यानी 14,000 किलो तक इसका वजन होता था। इसकी मस्क्यूलर बॉडी, मोटी गर्दन और काफी बड़े साइज का सर इसे एक डरावना लुक देता था। दूसरी तरफ गॉडजिला जो एक विशालकाय मॉन्स्टर होने के कारण इसके मस्क्यूलर बॉडी को देखकर अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाते हैं। अगर बात करें इसके स्किन की तो बुलेट्स यहाँ तक मिसाइल्स भी इसके स्किन को नहीं चीर सकता। गॉडजिला के पीठ पर मौजूद कांटे जैसे डोर्सल प्लेट बने हुए हैं जिससे ये अपने बॉडी से ऑटोमेटिक रेडिएशन को छोड़ते हुए दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। इन सब के अलावा गॉडजिला के पास है एक पूंछ जो बहुत ही काम की चीज है क्योंकि अक्सर लड़ते वक्त गॉडजिला अपनी इस पूंछ को इस्तेमाल करके दुश्मनों को एक झटके में दूर फेंक देता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो गॉडजिला का हाइट है 393 फीट यानी भी इस टीरेक्स को एक के ऊपर एक रखने से जो हाइट होगा वो भी गॉडजिला के हाइट को टक्कर नहीं दे पाएगा। अगर गॉडजिला के वेट की बात करें तो ये लगभग 1,64,000 टन वजनी है और इसके चलने से ही धरती पर अर्थ को एक जनरेट होती है। गॉडजिला का एग्जिस्टेंस अगर सचमुच इस धरती पर होता तो इस विशालकाय दानव को हर दिन अपना भूख मिटाने के लिए कम से कम 15 मिलियन कैलोरी जितनी खाने की जरूरत पड़ती। अगर गॉडजिला अपने खाने में टीरेक्स जैसे बड़े डायनासोर्स को खाना प्रेफर करता तो अपनी भूख को मिटाने के लिए इसे हर रोज कम से कम 500 टीरेक्स को मारकर खाना पड़ता। मगर गॉडजिला एक मॉन्स्टर होने के कारण इसे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर की नहीं बल्कि रेडिएशन की जरूरत होती है। अगर सीधी शब्दों में कहे तो गॉडजिला धरती में से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खाता है और बाद में इसी रेडिएशन के एनर्जी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके दुश्मनों को पल भर में मिट्टी में मिला देती है। दूसरी ओर टीरेक्स की असली ताकत इसके भारी भरकम शरीर के अलावा इसके जबड़े में मौजूद 60 दांतों में हुआ करता था जो जरूरत पड़ने पर एक ही बार में सामने वाले के ऊपर 6 से 8 टन के बाइटिंग फोर्स से उसके सर को धर से अलग कर देता था। भूख लगने पर ये बड़े बड़े मैमोथ यहाँ तक दूसरे डायनासोर्स को भी मार कर खा जाता था। टीरेक्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर के होते थे और बेवजह किसी भी जानवर पर टूट पड़ते थे। ये अपने गुस्सेले स्वभाव के चलते किसी भी कीमत पर अपने आसपास कोई भी दूसरा जीव यहाँ तक दूसरे किस्म के डायनासोर्स को भी भटकने नहीं देता था। लेकिन दूसरी तरफ गॉडजिला का नेचर काफी शांत है। ये किसी के भी ऊपर पहले हमला नहीं करता लेकिन जब कोई गॉडजिला पर अटैक करता है सिर्फ तभी उसको अपनी औकात दिखाती है। गॉडजिला एक समुद्री दानव होने के कारण समुद्र की गहराई में तो लड़ सकता है साथ ही साथ ये जमीन पर लड़ने की भी क्षमता रखता है। गॉडजिला जमीन पर बहुत ही तेज दौड़ सकता है। इसकी दौड़ने की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। वही टीरेक्स की दौड़ने की रफ्तार सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि हाइट, वेट और स्पीड इन तीनों के मामले में गॉडजिला टीरेक्स से काफी आगे है। अभी इधर गॉडजिला तो टीरेक्स से ताकत के मामले में काफी आगे है। लेकिन अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों से आगे रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए जिससे ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रहने के चलते आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो कर सके। और इन्वेस्टिंग के लिए आज के समय क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप एक सिंपल और सिक्योर क्रिप्टो एक्सचेंज की तलाश में है तो CoinDCX Go इंडिया का सबसे सिंपल बिटकॉइन एक्सचेंज ऐप है। इसकी क्रिप्टो को खरीदने और बेचने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है जिसके लिए आपको सिंपल KYC करना है और साइन इन कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। KYC के लिए आपको पैन और आधार कार्ड वेरीफाई करके बैंक डिटेल्स लिंक कर लेना है।
इसमें आप मिनिमम 100 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हो और सिर्फ 10 रुपए में बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हो। कॉइन डीसीएक्स गो में आपका फंड बहुत ही सिक्योर है क्योंकि इसमें बिटगो द्वारा यूजर फंड्स इंश्योर किया गया है। इसमें सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी और 2FA दिया गया है। कॉइन डीसीएक्स गो ISO सर्टिफाइड है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पालन करती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हो तो कॉइन डीसीएक्स गो ऐप आपके लिए सही है क्योंकि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो बाय और सेल करने की ये सबसे सिंपल ऐप है। अगर आपको बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा जानना है तो आप डीसीएक्स लर्न प्लेटफॉर्म विजिट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपनी अधूरी लड़ाई को खत्म करना बाकी है। तो दो चीज जो टीरेक्स को काफी खास बनाती है और वो है इसकी देखने की नजर और सूंघने की क्षमता। टीरेक्स का नजर इतना तेज है कि इससे ये रात के अंधेरे में कई किलोमीटर दूर रहने वाले शिकार का भी पता लगा लेता था। यानी टीरेक्स के शरीर में थर्मल विजन की क्षमता मौजूद थी। अपने इसी थर्मल विजन की मदद से ही ये अपने से बहुत दूर रहने वाले गॉडजिला का पता आसानी से लगा पाएगा। तब अगर ये खुद को कई सेफ जगह पर छिपा लिया तो ये बच जाएगा, लेकिन टीरेक्स ऐसा नहीं करेगा। ये अपने एग्रेसिव नेचर के चलते सीधा जाकर गॉडजिला पर हमला कर बैठेगा और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। गॉडजिला टीरेक्स के ऊपर सबसे शक्तिशाली वेपन एटॉमिक ब्रेथ गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन हाइट में छोटा होने की वजह से टीरेक्स को एक मेजर एडवांटेज मिल जाएगा। ये अपने रफ्तार और छोटे हाइट के चलते गॉडजिला द्वारा छोड़े गए एटॉमिक ब्रेथ को डॉज कर लेगा। अगर ये लड़ाई किसी बड़े शहर पर हुआ तब तो टीरेक्स को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से खुद को बचाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स का सहारा मिल जाएगा और ये अपने आप को उन बिल्डिंग्स के पीछे छिपाकर काफी समय तक खुद को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचाकर रखेगा। लेकिन आखिर में वो पल भी आ ही जाएगा जब टीरेक्स को गॉडजिला के सामने आना ही पड़ेगा क्योंकि भागने का भी एक लिमिट रहता है। इसीलिए ये गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचते बचते थक जाएगा और ठीक इसी अहम मौके पर गॉडजिला टीरेक्स को या तो अपने पूंछ से दूर फेंक कर मारेगा या फिर इसके ऊपर सीधा एटॉमिक ब्रेथ गिराकर इसके शरीर को जलाकर राख कर देगा और खुद इस लड़ाई में जीत जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस लड़ाई का नतीजा कुछ और निकल सकता है। मतलब यहाँ टीरेक्स भी ये लड़ाई जीत सकता है, लेकिन टीरेक्स के जीतने के लिए यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में टीरेक्स डायनासोर को झुंड में आकर गॉडजिला पर हमला करना होगा। उस केस में गॉडजिला भले ही बहुत से टीरेक्स को खत्म कर दे लेकिन सबको नहीं मार पाएगा और आखिर में खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंगल गॉडजिला के साथ सिर्फ एक टीरेक्स की ही लड़ाई हुई तो उस केस में टीरेक्स के जीतने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत में हम ऐसी लड़ाई जिंदगी में कभी देख ही नहीं सकते थे क्योंकि गॉडजिला एक मिथिकल कैरेक्टर है जिसका रियल लाइफ के साथ कोई भी नाता नहीं है। दूसरी तरफ टीरेक्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करता था, मगर ये आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुका था। तो इसीलिए कभी गॉडजिला जैसे मिथिकल क्रीचर के साथ दुनिया के एक एक्सटिंक्ट डायनासोर की लड़ाई होना नामुमकिन होता। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो उसमें कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।